अज आपां गुरु नानक दे घर दे हठियां जपियां ते तपियां दी आपां गल करनी है। आओ जिन्ना कु समां पातशाह अपनी कृपा करनगे समय अनुसार रहिंदिआं विचार करन दा आपां यतन करांगे जी। फतेह बुलाओ आखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जदों गुरमुखो गल हठियां दी चलदी है ना, हठी दा अर्थ हुंदा सौखा जा, आपां लै लईए जिद्दी बंदा। जे आपां सौखा जा अर्थ लग कहिंदे बहुत हठी है, हठ बड़ा करदा, आपां कहिंदे बड़ा जिद्दी है जी। और असी कई बार ये कहने हैं जी गुरु नानक दे घर विच हठ प्रवान नहीं है। जो तप की गल करते हैं उदों भी आप कह देना भी तप नू नहीं मन्या जांदा, पर जे गुरमुखू हठ ते तप प्रवान ही नहीं है फिर सानू असी अरदास विच क्यों रोजाना हठियां ते तपियां दा ध्यान धरदे हाँ। ध्यान तो ही धारांगे ना हठियां ते तपियां दा जेकर प्रवान होणगे। तां गल ये है कि जेड़े कर्म कांडा ते फोके दिखावे दे हठी ते तपी सन उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी बाणी ने प्रवान नहीं किया, पर जिन्हां दा हठ जिन्हां दा तप केवल एक परमात्मा दी सेवा ते एक वाहिगुरु दे सिमरन उत्ते खड़ा है, पातशाह कहिंदे उन्हां हठियां उन्हां तपियां उन्हां जपियां दा रोजाना ध्यान धारना है। सब तो पहलां आपां गल करदे हां हठियां दी कि हठी कौन ने। गुरमुखो दुनिया दा जे असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी बाणी नूं आपां समझिए ते सब तो पहला हठी भगत प्रहलाद है। थोड़ा नुक्ते नूं आपां क्योंकि उदाहरणां नाल गल छेती पकड़ जाएगी। दुनिया दा जे आपां मन लईए इतिहास दा ते पहला हठी जिहड़ा है वह भगत प्रहलाद है। और जदों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने प्रहलाद वर्गे हठी की गल की कहन लगे दुनिया के लोगो जे उस राम वाहिगुरु के नाम नू जपण दा तरीका सीखना है ते कहन लगे इन्हां हठियां दे कोलो नाम जपना सीखो, नाराम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। हुण ये प्रहलाद ते ध्रुव हठी ने गुरमुखो। हठी दा अर्थ हुंदा अपने हठ तो अपनी जड़ तो पासे ना होण वाला, जिहड़ा कह जावे कुछ भी हो जाए पर जिहड़ी गल उत्ते मैं खड़ा हाँ मैं उसे उत्ते रहांगा। असी कहने बंदा बड़ा जिद्दी है, बंदा बड़ा हठी है। हुण तुसीं देखो भी जिहड़ा प्रहलाद दा हठ है वह कैसा है। असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी भगत बाबा नामदेव साहब के बचन पढ़ते हैं क्योंकि बाबा नामदेव साहब ने प्रहलाद का जिक्र बहुत किया अपने बचना दे। देखो करो किन्ना हठी है, किन्ना हठ है प्रहलाद के अंदर। सब तो पहला कि जिहड़ी जिहड़ा घर विच जिस पिता की गोद विच बैठ के प्रहलाद खेड़दा है वह पिता कहिंदा है पुत्र सारी धरती उत्ते मेरा राज चलता है, जिन्ना देवी देवत्यां दी लोग पूजा करदे ने वो देवी देवते मेरे तो हार खा चुके ने, उन्हां नूं मैं हरा चुका वा, दुनिया उत्ते मेरा राज चलता है, वड्डे वड्डे देवत्यां नूं मैं जंग दे मैदान विच हरा चुके हैं, मैं ही परमात्मा हाँ, तू मेरा नाम जपया कर। पर प्रहलाद इन्ना क हठी है, उहदा हठ परमेश्वर दे प्रेम दे विच है। देखो है तो हठी है ना, पर उहदा हठ परमेश्वर वाहिगुरु दे प्रेम दे विच है
दूजे नंबर ते घर दी मां है पटराणी। मां कहिंदी है पुत्तर सारी धरती दे उत्ते तेरे पिता दी हुकूमत तेरे पिता दा हुक्म चलदा है, तू उहदा अपने पिता दा नाम जपिया कर। तीसरे उहदे दो पढ़ाण वाले ने संडा ते अमरीक, दोनों दा नाम आउंदा है। संडा ते अमरीक ने जिहड़े उहदे उस्ताद नूं पढ़ाण वाले ने, उहनूं पढ़ाउण वाले भी इह कहिंदे ने हे प्रहलाद तेरा भला इसे दे विच है कि तू अपने पिता नूं ही परमेश्वर मन के राम मन के उहदी बंदगी करे, क्योंकि तेरे पिता तो वड्डा कोई रब नहीं है। हुण देखो तिन्नां कोलों सिक्ख्या मिलदी है बंदे नूं। गुरमुखों मां दे कोलों सिक्ख्या मिलदी है, पिता दे कोलों सिक्ख्या मिलदी है, ते जिहड़े पढ़ाउण वाले उस्ताद हुंदे ने टीचरां दे कोलों सिक्ख्या मिलदी है। पिता भी कह रहा मैनू जप, मां भी कहती है प्यो नूं जप, ते पढ़ाण वाले भी कहिंदे ने प्यो नूं जप, ते जिहड़े नौकर चाकर आसे पासे सेवा करन वाले ने उन्होंने भी कहा, कहन लगे तेरे बाप तो वड्डा रब कोई नहीं, तू अपने बाप नूं जपया कर। तो सारे कहन वाले ने ना, पर प्रहलाद का हठ किन्ना वड्डा है तो हठी, पर उहदा हठ किन्ना वड्डा है। बाबा नामदेव साहब ने कहा संडा मरका जाए पुकारे, दोनों उस्ताद ने संडा ते मरका अमरीक, संडा मरका जाए पुकारे पढ़े नहीं हम ही पच हारे। दोनों जाके हरनाक्ष नूं कहिंदे ने, कहन लगे ऐ हरनाक्ष तेरा पुत्र नहीं जे पढ़दा, असी समझा समझा के थक गए हाँ पर वो अपने हठ तो बाज नहीं आ रहा। दूजे नंबर दे उत्ते संडा मरका जाए पुकारे पढ़े नहीं हम ही पचहारे, राम कहे करताल बजावे चटिया सबै बिगारे। उता हरनाक्ष नाश करदा ही नहीं, उते राम राम जपदा है, राम राम जपदिया होया तालियां बजाउंदा है साज बजाउंदा है, ते कल्ला आप नहीं जपदा, जिहड़े नाल दे उहदे बैठे ने उहनां बच्चां नूं भी विगाड़ दित्ता है, वह भी तेरा नाम नहीं जपते, वह भी राम नूं जपदे ने, आप भी विगड़े है ते नालदा नूं विगाड़ी बैठा है। कहन लगे फिर गुरमुखो वसुदा बस कीनी सब राजे बिनती करे पटराणी। पटराणी दा अर्थ है वड्डी मां वड्डी राणी। कहन लगे वसुदा बस कीनी सब राजे, बेटा राजे तेरे पिता राजे ने सारी धरती नूं कब्जे च कर लिया, तू उहदा नाम जप। पर अगे बाबा नामदेव सिंह कहिंदे ने पूत प्रहलाद कहा नहीं माने, तिन तन तिन तो और ठानी। पर कहन लगे भावें मां कहिंदी है, पढ़ाउण वाले कहिंदे ने, पिता कहिंदा है, नौकर चाकर सेवक कहिंदे ने, पर प्रहलाद इन्ना क हठी है किसी की गल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उन्हें तो मन में एक परमात्मा का नाम ही जपना यह ठान लिया है, उन्हें ठान लिया कोई कुछ भी कहे पर मैं केवल एक परमात्मा का नाम जपांगा। बसदा बस कीनी सब राजे बिनती करे पटराणी, पूत प्रहलाद कहा नहीं मन, तिन तन तिन तो और ठानी, उन्हें तो कुछ होर ही ठाणिया होया है। गुरमुखो ये है प्रहलाद का हठ। इन्हां हठियां नूं आपां ध्यान धरदे हाँ रोजाना। थोड़ा उस तो अगे चलो, जदों असीं भगत बाबा नामदेव सारा जीवन पढ़ते हाँ, भगत बाबा नामदेव साहब हठी ने, पर उन्हां दा हठ कैसा है जी? सिकंदर लोधी समें दा बादशाह है, उन्हें नामदेव साहब नूं अपने दरबार विच बुलाया, बुला के कहिंदा, कहन लगा मैं सुनिया तेरा तू परमात्मा दा बड़ा वड्डा भगत है, तेरियां परमात्मा नाल सिद्धियां गल्लां हुंदियां ने। इह कहा समें दे बादशाह ने, देख आ गऊ है जिहड़ी मरी हुई गऊ नूं जिउंदा कर, मैं मन्नांगा तू ते तेरा परमात्मा बड़ा समर्थ है, नहीं ते हाथी दे थले तैनू जिहड़ा है मैं वो दे के तैनू मार देंगा, तू जिउंदी हुई मरी हुई गऊ नूं जिउंदी कर। पर देखो जदों ये गल हुई माँ ने समझाया, पुत्तर नहीं तू अपनी जान नूं बचा लै,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲਜੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਬਸੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਸੰਕਟ ਦੇਵੇ, ਸੰਕਟ ਵੈ ਸਹਿਬ ਸੰਕਟ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਛੱਡ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਠੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਠੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਹੱਠ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਾਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਇੱਕੋ ਨੇ। ਨੁਕਤਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕੋ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ? ਜੇ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ? ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਬੋ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਨੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੱਠ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਹੱਠ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਨਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੱਠ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹੋ ਜੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕਹੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਰਖਾਂਗੇ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ,
ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਮਝੋ ਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਜਨੇਊ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧੱਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੁਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਲਾਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਈ। ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੁਹਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹੱਠੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਰੋਦਨ ਕਰੈ ਨਾਮੈ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਮਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਠ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਠੀ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਠੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਠੀ ਨੇ। ਹੱਠ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਠੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਹੱਠੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਪੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਪੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਪੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ, ਉਹ ਜਪੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਪੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਪ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਪੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਰਾਇਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਪਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਾਪ ਤੋਂ ਜਪਦਾ, ਤੇਰਾ ਜਪਣਾ ਨਿਰਾਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਜਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤਪੀਆਂ। ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤਪੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੱਠ ਅਤੇ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
गल हठ ते तप दी नहीं, गल तेरा हठ है कादे उपर, तेरा तप है किड़ा। जो तप की आप गल करते हैं, तपियां असी किड़े तपियां का ध्यान धरते हाँ। हुण करो को जो तप शब्द है ना, ये तपाउण तो बनया, शरीर नू कष्ट देना, शरीर नू तपाउणा। कहिंदे सी संसार उत्ते बड़े तपी होए ने, पुट्ठा लटकना। वैसे तो ना जिहड़ा कल परसों वर्त आया सी, मैं अज सवेरे पढ़ रहा सा नेकी जी नू, उन्हां कहा जिहड़ा जिहड़े जिन्ने वर्त रखने ने ये एक तप का हिस्सा ने। जी आ जिहड़े वर्त ने ना, क्योंकि वर्त एक तरह का नहीं हुंदा, वर्त कई तरह का हुंदा है। जिवें आप कहिंदे मौन वर्त, मौन वर्त की हुंदा, चुप रहना, ये भी तो एक वर्त है ना, चुप रहना। इदा आहार का वर्त, इनू आहार वर्त कहा जाता भी रोटी नहीं खानी, ये तप ने सारे इदा करके। फिर कपड़िया का वर्त हुंदा भी कपड़े नहीं नंगे रहना जी, ये भी एक वर्त हुंदा। जोगी ये भी रखते हैं भी कपड़े नहीं पाने, नंगे हो जाते हैं बिल्कुल। तो कई तरह के तप हुंदे ने, इदा जल धारे भी करना, लड़कना भी पुट्ठा, ये सारे तपां दे विच आ जांदा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी ने कहा, कह लगी जिहड़े ये बाहर दे तप ने, इन्हां तपियां का सिख ध्यान नहीं धरदा। जदों इन्हां तपां की गल की उदों गुरु अर्जन साहब ने कहा, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो। जिन्ना तू मर्जी पाठ कर लै, पातशाह कहिंदे बड़ा पाठ कीता, पाठ पढ़ियो। दूजा बंदा कहिंदा जी मैनू अर्थ बड़े चेते ने। आप कहिंदे ना भी कल्ली गुरबाणी पढ़नी नहीं चाहिए जी, इहदे अर्थां नू समझना भी चाहिए। गुरु पातशाह कहिंदे गल कल्ले अर्थां नू समझण नाल भी नहीं बननी। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, वेदां दी विचार कर लवें, समझ लवें। निवल भुअंगम साधे, निवल भुअंगम का अर्थ है तू योग दे आसन करे उल्टे सीधे। वैसे निवल का अर्थ हुंदा अपने पेट नूं अगे पिछे करना, वो जो वो रामदेव करवाउंदा वो निवल भुअंगम हुंदा। साधे ये सब कुछ कीता, पर गुरु पातशाह कहिंदे कि इहदे नाल तेरे अंदर का हंकार मिटिया, कि पाठ करन दे नाल, उहदे अर्थ समझण दे नाल, पुट्ठा लटकण दे नाल, जल धारे करन दे नाल, तप तपाउण दे नाल, कि तेरे अंदर का हंकार मिटिया। पुछया जी, कहन लगे जी बिल्कुल नहीं मिटिया। पातशाह कहिंदे फिर असफ, ये भी तो नेफल है ना। निवल भुअंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। उल्टा कहिंदे हंकार तो होर वध गया, भी मेरे वर्गा तपी कोई नहीं है, मेरे वर्गा तो जपी कोई नहीं। हंक गुरमुखो इदा हुंदा, कई बार बंदा परमात्मा का नाम जपदा भी हंकार मिट जाए, पर कई बार बंदे नूं नाम जपण का ही हंकार हो जाता। मेरे जिहड़ी बाणी कौन पढ़ता है जी, भी गुरबाणी ने तेरी मैं मिटाउणी सी, तू मैं नाल बन्ह ली अपने। ये भी हुंदा दवाई रक्षण कर जाती, कई बार रक्षण का की अर्थ हुंदा भी फैली थाते नुकसान कर गई। कई बार कीती हुई सेवा रक्षण भी कर जाती है बंदे नूं, कहिंदा जी मेरे वर्गा कौन। इहदा अर्थ बनता भी लै इहनू, इहनू रक्षण कर गई है दवाई हुण बाबे दी। मेरे वर्गा जपी कौन, तपी कौन, मेरे वर्गा दानी कौन। इदा इदा क्योंकि मैं तो मिटाउणी है, आप गवाए सेवा करे तां कछपाई माण गल बनती है। तो पातशाह कहिंदे पंच जना स्यों संगण छुटको, अधिक अहम बुद्ध बाधे। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, इस तप दे नाल रब तू मिलिया नहीं जाना। अच्छा एक तप की गल होर है जिहड़ी है, हठियां जपियां तपियां की गल फरीद साहब ने की बाणी के अंदर। वो तो सीधी सी उदाहरण ही, आप वैसे विचारी भी सी पिछले समय, तन तपै तनूर ज्यों, बालन हड बलन, पैरी थक्कां सिर जुलां, जे मूँह पिरी मलन। जे परमात्मा मैनू तू मिल जाए, मैं आ तप करन नू तैयार हाँ। किहड़े तप जी, कहन लगे मैं तंदूर दे विच अपने आप नू तपाउण लई भी तैयार हाँ। जे परमात्मा जिवें रोटी तंदूर विच सड़दी है, मैं अपने आप नू तंदूर विच साड़न लई भी तैयार हाँ। जिवें चुल्हे विच लकड़ां बलदियां ने,
मैं अपनियां हड्डियां बालन लई भी तैयार हाँ। ते तीजा परमात्मा जे तेरे वल आउंदिया मेरे पैर थक जान मैं पैरां नूं थका लवां ते सिर भरने भी तेरे वल आउण नूं तैयार हाँ। हुण ये तप है ना सारा, मैं तंदूर विच तपण लई भी तैयार हाँ, मैं अपने आप नूं चुल्हे बालन लई भी तैयार हाँ। परमात्मा जे तू मिल जाए मैं सिर भरने तुरन नूं भी तैयार हाँ। तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन, पैरी थक्का सिर जुलां जे मूँह पिरी मलन। ते गुरु नानक साहिब पातशाह ने कहा नहीं, एहो जा तपी मैनूं प्रवान नहीं है, एहो जा तप नहीं करना भाई। पुछा जी क्यों, कहन लगे तन ना तपाए तनूर ज्यों। गुरु नानक साहिब पातशाह अपने तन नूं ना इदां तपा, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन हड ना बाल, हड्डियां दा बालन ना बना। सिर पैरी क्या फेड़िया, उपर नू पैर कर ले, सिर थले नू कर लिया, ये तप तू करदा दसदा सी सिर पैरां ने तेरा की विगाड़िया है। देखो ये तप नहीं प्रवान इदां दे कि सिर उपर नू थले नू कर लिया, पैर तानू कर ले। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे की विगाड़िया तेरा सिर ने पैरां ने, सिर उपर नू सी, पैर परमात्मा ने थले लाए ने, ते तू सिर नूं पैरां नूं उपर सिर थले करदा पिया, परमात्मा ने इदां नहीं सी तैनूं बनाया। सिर पैरी क्या फेड़िया, अंदर पिरी संभाल, जिहड़ा अंदर परमात्मा बैठा है उहदी संभाल करदा, अंदर बैठे नूं देख रब नूं बाहरों लभदा पिया, तेरे तन तपाया कुछ नहीं जे होना। उह तपी किहड़े ने फिर, उह किहड़े, इह तां आपां कहता वी इदां तां प्रवान नहीं है, पर किहड़े तपी ने, जिहड़े तपियां दी गल असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी बाणी विच करदे हाँ। ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने कहा गुर सेवा तपा सिर तप सार, ये बाणी दा वचन है। किहड़ा तप जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगदा है, कहन लगे सब तों वड्डा तप है गुरु दी सेवा करनी। गुर सेवा तपा सिर, सारे तपां विच्चों श्रोमणी तप है गुरु की सेवा करनी, ये है गुरमुखो तप। असी गुरु की सेवा का तप करन वाले तपियां का ध्यान करते हाँ रोजाना। हुण आपां ले लईए उदाहरण है, हुण की गुरमुखो ये तप नहीं है। गुरु अर्जन साहिब पातशाह ने तत्ती तवी दे उत्ते बैठे ने, बंदा कहना सी जी जल धारे करने पुठा लटकना ये तप है, पर गुरु अर्जन साहिब पातशाह कहो तपी कौन होवेगा जिहड़े तत्ती तवी दे उत्ते बैठ गए आके। इस तों वड्डा तपी तां कोई नहीं ना होना, तत्ती तवी ते बैठे, पर तत्ती तवी उत्ते बैठ के भी की कहिंदे पए ने, तेरा किया मीठा लागा हर नाम पदार्थ नानक मांगै। तत्ती तवी उत्ते बैठ के भी कहना परमात्मा ये भी मैनू चंगा लगता है, क्यों, क्योंकि जो तैनूं पाउंदा मैनूं चंगा लगदा, जे ये तैनूं पाउंदा ये मैनूं चंगा लगदा गुरमुख, इस तों वड्डा तपी कोई नहीं जी होना। कि गुरु तेग बहादुर साहिब तों वड्डा कोई तपी होवेगा जी, कि भाई मणि सिंह तों वड्डा कोई तपी होएगा। देखो जदों आपां अगे विचारांगे, वैसे बंद बंद कटाए दे समय भाई साहिब दा जीवन, जदों लाहौर दी धरती ते भाई साहिब भाई मणि सिंह दा हुक्म हो जांदा है भी इदां बंद बंद कट के शहीद कराओ, एक हुंदा भी तप शरीर नूं लटका लिया जी पुट्ठा, पर बाबे नानक दे घर दे तपी है किदां दे ने, इदां बंद बंद कट्टिया जाए। तो जदों गुरमुखो कट्टण दी गल चलदी है ना, तो जलाद भी हैरान सी भी 93-94 साल दा ये बजुर्ग बाबा मौत दी गल सुन के लोकां दे चेहरे पीले पै जांदे ने, ये बजुर्ग बाबे अंदर कि ताकत है, ये चेहरे की लाली होर वध गई है, लाली होर वधी भाई मणि सिंह के चेहरे की। तो पुछया सी कहन लगे सिखा देख असी भी थोड़ी बहुती तेरे गुरु की बाणी सुनी है, तेरा गुरु कहिंदा इस शरीर नूं बचा लै, इस शरीर ये मनुखा जन्म 84 लाख जोनों तो बाद मिलता है। धर्म का की है, सिख होवेगा तां वी वाहेगुरू वाहेगुरू करेगा, मुसलमान हो जाएगा
अल्लाह अल्लाह करेंगा, वाहिगुरु ते अल्लाह ते फर्क ही कोई नहीं है, जपना ते उसे नू है ना। तेरी ते बाबे दी बाणी कहिंदी है कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गोसाइयां, कोई अलाए, जे राम दी थां दे उत्ते अल्लाह अल्लाह कह लेंगा ते फिर की होना है, अपनी जिंदगी बचा, अपनी जान बचा। ये शरीर तो 84 लाख तो बाद मिलता है। तो गुरमुख किन्ना वड्डा तपी है भाई मणि सिंह, की कहिंदा है, कहन लगा गल्लां तेरियां सारियां ठीक ने कि राम कहण ते वाहिगुरु कहण ते अल्लाह कहण ते कोई फर्क नहीं। तू कहना हिंदू होवे मुसलमान होवे सिख बन जावा, गल ते एक परमात्मा दी है, गल एक परमात्मा दी ता है, पर देखो तू शरीर बचाउण दी गल करदा पे, शरीर मैं बचा लवांगा। मेरे बाबे दी बाणी ये कहिंदी है कि 84 लाख जोना नूं भुगतण तों बाद मनुखा शरीर ते मिल सकदा है, पर 84 लाख जोना भुगतण तों बाद गुरु गोबिंद सिंह वर्गा प्यो ते गुरु नानक वर्गा गुरु मिले, इस गल दी तां गरंटी कोई नहीं है। देखो किन्ना वड्डा तप है जी, यह कि गुरु नानक वर्गा गुरु ते गुरु गोबिंद सिंह वर्गा प्यो 84 लाख जोना भुगतण तों बाद भी मिल जाए, कोई गरंटी नहीं, शरीर ते फिर भी मिल जाएगा। गुरमुख जदों असीं ध्यान धरते हाँ तो असी ऐसे जपियां दा, ऐसे हठियां दा, असी ऐसे तपियां दा ध्यान धरते हाँ। हठी ने भगत प्रहलाद वर्गा हठी, बाबा नामदेव साहिब वर्गा हठी, जपी गुरु अर्जन साहिब वर्गे जपी, बाबा बुढ़ा साहिब वर्गे जपी, भाई मणि सिंह वर्गे जपी, तो तपी गुरु अर्जन साहिब, गुरु तेग बहादुर साहिब, भाई मणि सिंह ते भाई तारू सिंह वर्गे तपियां दा ध्यान धरदे हाँ। गुरु पातशाह कृपा करन, भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।